आफरीन है मौलवी साहब, मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरे भरोसे के साथ साथ अपना ईमान भी बेच दिया। एहसान आए तो उसे कहना अब मुझे नहीं आलिया को ढूंढे। वो ठीक तो है ना? कुछ नहीं जानती मैं कि वो ठीक है या नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो जिंदा भी है या नहीं। देखो एहसान, मेरी बात गौर से सुनो। मैं मासूमा से दोबारा शादी करना चाहता हूं। दोबारा शादी? वो क्यों? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? मेरा मतलब है कोई उसका इंतजार कर रहा है, मैंने जुबान दी है। इंतजार कौन है वो? मैं पूछ रहा हूं कौन है वो? गुल भाई, वो सिकंदर चौधरी। हो सकता है वो तुम्हें मार डाले, ये भी हो सकता है कि वो ना मारे। लेकिन एहसान अली, मासूमा पर अगर सिकंदर चौधरी का साया भी पड़ा तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगा। डरो मत एहसान अली, तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकेगा। पर ये कैसे हो सकता है? बेगम ने मासूमा नहीं मानेंगी और फिर रजिस्ट्रार को दिखाने के लिए हलाले की शर्त। एहसान अली, एहसान अली, एहसान अली, अपने दिमाग को मत थकाओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या और कैसे करना है। पहले हम उसे उठाएंगे, कुछ दिन के लिए अपना मेहमान बनाएंगे। अगर उसे समझ आ गई तो ठीक है, वरना पारे। इट्स ओके। क्यों, समझ गए? लेकिन गुल भाई, बाद में तो सिकंदर चौधरी को पता चल जाएगा ना, फिर वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें दुबई भिजवा दूंगा और दुबई में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जल्दी से हाँ कर दो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी हाँ, ठीक है, जैसा आप कहते हैं ना वैसे ही होगा। तुम अब जाओ, मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा कि कब और क्या करना है। और हाँ, वो लड़का शाम तक घर पहुंच जाएगा। जी जी जी। हाँ मासूमा। अम्मी जान को फोन दो। अम्मी मासूमा का फोन। हेलो। हाँ मासूमा, कैसे हैं अम्मी जान? मैं ठीक हूँ, तू बता। हाँ यहाँ सब ठीक है। आपको बुलाया है। मुझे बुलाया? क्यों, मुझे क्यों बुलाया? शायद वक्त से पहले आजाद करना चाहते हैं। आप कल यहाँ आ जाइएगा। अच्छा मैं आ जाऊंगी। मुझे ये बता, वो रोशन का क्या हुआ? उसे छोड़ दिया है। मैंने आपसे वादा किया था कि
मैं जब मासूमा को आजाद करूंगा तो खुद इसकी शादी किसी अच्छे घर में करवाऊंगा। मास्टर न्याज एक बाइज्जत आदमी है, उसकी बहू बनके अच्छी जिंदगी गुजारेगी मासूमा। अंसार गुल ने वक्त से पहले ही मासूमा को तलाक दे दिया है। ओए, ये क्या कह रहा तू? ये तुम लोगों ने बहुत गलत कदम उठाया है बेटा। रोशन मेरी कुल कायनात है, उसके बगैर मैं जी कर क्या करूंगा। कल मैंने तो उसको समझाने की बहुत कोशिश की थी मगर वो रुका ही नहीं। वो मुझे बताया होता मैं रोक लेता उसे, अब उसके बगैर मेरी जिंदगी। साहब, कुछ अकड़ टूटी आपकी कि नहीं? अकड़ तो क्या भाई, मैं तो खुद टूट चुका हूं। कहाँ है मेरा बेटा, क्या कहा है उसने? बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने गोल भाई को। फिक्र ना करो, शाम तक आ जाएगा तुम्हारा लड़का। शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं? अब बाबा फेंटी शेंटी लगाई है, मरम पट्टी के लिए भेजा है। मरम पट्टी? फिक्र ना करो, मैंने बोला ना आ जाएगा तुम्हारा लड़का। और हाँ, आइंदा अगर उसने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं गुलबाई को कह आया हूँ इसको बेशक जुबा कर देना। नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करना, खुदा के लिए। उसको बोलो ऐसी हरकत ना करे तुम्हारा। चलता हूँ। आइए बैठिए। मुझे रोशन के बारे में बताइए, जो भी आप जानती हैं, लेकिन सच सच बताइएगा। यही के रोशन मासूमा के पीछे पड़ा हुआ था और ये बात मुझे सख्त नापसंद थी। लेकिन एहसान अली को तो आप ही ने भेजा था मेरे पास रोशन को आजाद कराने के लिए। क्योंकि मास्टर न्याज ने बहुत मेहनत की थी मेरी। रोशन बहुत प्यार करता है आपकी बेटी से, इसे एक इज्जत वाली जिंदगी देगा वो। शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जब मासूमा को आजाद करूंगा तो खुद इसकी शादी किसी अच्छे घर में करवाऊंगा। मास्टर न्याज एक बाइज्जत आदमी है, उसकी बहू बनके अच्छी जिंदगी गुजारेगी मासूमा। लेकिन मास्टर न्याज मासूमा को कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा। यह आप मुझ पर छोड़ दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो खुद आपके घर रिश्ते की बात के लिए आएगा। लेकिन आपसे मुझे एक यकीन दहानी चाहिए, वो ये कि मेरे कहने पर जब वो रिश्ते की बात करने आपके घर आए तो आप उसे इनकार नहीं करेंगे। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशकिस्मती और क्या होगी? ये लीजिए तलाक के पेपर्स। अब मासूमा आजाद है। और
रोशन के साथ शादी के लिए इसे इद्दत पूरी करने की भी जरूरत नहीं। इसकी मासूमियत छीनने का हौसला नहीं हुआ मुझे। खैर, अब आप जा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक कह दीजिएगा, बिल्कुल शर्माइएगा मत। मासूमा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। खुदा हाफिज। समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं कैसे मान लूं कि मासूमा को इद्दत पूरी करने की जरूरत नहीं है? ये तो मान सकती हो ना कि मैंने वक्त से पहले ही मासूमा को आजाद कर दिया है। हैरत से निकलूं तो कहीं यकीन की हद तक पहुंचूं ना। यकीन की हद तक पहुंचने की कोशिश में तुम मजीद हैरत में गुम हो जाओगी, एक ऐसी बेयकीनी का शिकार हो जाओगी जिससे तुम शायद कभी भी ना निकल पाओ। आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे खुलकर कहने में कोई आर नहीं है, लेकिन मेरी बात को बर्दाश्त करने के लिए तुम्हें बहुत बड़े हौसले की जरूरत पड़ेगी। सुनना चाहती हो तो सुनो। मोहब्बत हो गई है मुझे मासूमा से, इसलिए उसकी मासूमियत को दाग दार करने का दिल नहीं माना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं उसे इज्जत देने वाला हूं। बाकायदा जायज तरीके से उसे अपनी बीवी बनाने वाला हूं। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब तो मैं फीस भी लूंगा और इनाम भी। हुआ क्या है? अंसार गुल ने वक्त से पहले ही मासूमा को तलाक दे दिया है। ओए, ये क्या कह रहा तू? अब दूसरी बात सुने, इस बात में आपको मसला तो लगेगा लेकिन ये आपके हक में बेहतर है। पूछे कौन सी बात? कौन सी बात? अंसार गुल अपनी जिम्मेदारी पे मासूमा की शादी किसी लड़के से कर रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका और मेरा काम और आसान हो जाएगा। वो कैसे? अंसार गुल जिस लड़के से मासूमा की शादी कर रहा है ना, वो मामूली से स्कूल मास्टर का बेटा है, जिसे आपने बड़ी आसानी से खत्म कर देना है। वो मर जाएगा, मासूमा बेवा हो जाएगी। एक तलाक और एक बेवगी का दाग लेके जब वो अपनी माँ के घर वापस जाएगी तो मैं बड़ी आसानी से बेगम को इस बात पे राजी कर लूंगा कि वो मासूमा की शादी आपसे कर दे। समझ नहीं आई? तो सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दें और जैसा मैं कहता हूं ना वैसा करते चले जाएं।
हफ्ते 10 दिन में उस लड़के से मासूमा की शादी हो जाएगी। आपने करना यह है कि अपने किसी बंदे को शादी वाले घर में डकैती के बहाने से भेज देना है, जो डकैती की आड़ में मासूमा के शौहर को कत्ल कर देगा। और ये काम सुहागरात से पहले पहले होना चाहिए, उसके बाद हफ्ते में मासूमा आपकी बीवी होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अब आई समझ? अरे तुझे समझ आई है? आई तो है चौधरी जी, जरा लंबा चक्कर है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ता 10 दिन इधर, हफ्ता 10 दिन उधर, और इतने दिन मैं क्या करूंगा? चौधरी जी आप ये क्यों नहीं सोचते, अंसार गुल ने 25 दिन पहले ही मासूमा को तलाक दे दिया। 25 दिन तो भी तो आपने सफर करना था ना। मैं तो आपसे 20 दिन सफर करने के लिए कह रहा हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तू कहते हो तो मैं हो जाता हूँ बेफिक्र। चाची थोड़ा बहुत एडवांस तो दें। ओए, इसको 1 लाख कैश दे दे। ये क्या कर रहे चौधरी जी, कम से कम 25% तो दें ना। कितना होगा 25% तेरे हिसाब से? संसार गुल ने मुझे 10 लाख दिए थे, इतने तो आप भी दें। इतनी औकात है? अपनी औकात के बल पे थोड़ी मांग रहा हूँ चौधरी जी, ये तो मासूमा की कीमत के तौर पे मांग रहा हूँ। 25% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए इनायत कर दें आप। सुन एहसानली, अगर 25 दिन के अंदर अंदर मासूमा मुझे ना मिली तो तेरे 2.5 लाख टुकड़े कर दूंगा मैं। मंजूर है चौधरी जी, 2.5 लाख तो निकालें। दे इसके मुंह पे 2.5 लाख। सही जी, बड़ा वाला लस्सी का गिलास है। आप मासूमा और रोशन की शादी के लिए तैयार हैं? मैंने सोचा तेरी बात ही मान लो, और वैसे भी अंसार ने खुद कहा है कि वो तेरी और रोशन की शादी करवाएगा। क्या मतलब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही शफकत अली, के अंसार गुल को हो क्या गया है? मुझे लगता है कि उसे बच्ची समझ के उस पे तरस आ गया उसको। तरस कैसे आ गया, यही तो मैं सोच रहा हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहन एक अजाब से निकलकर वापस आ गई है। अब इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है, देखना इसे जिंदगी में कितनी खुशियां मिलेंगी। अम्मी जान, खुशियां तो तब मिलेंगी जब आप मेरी बात मानकर रोशन से इसकी शादी करवा देंगी। सच कह रही हूँ अम्मी जान, मासूमा को बहुत चाहता है रोशन, बहुत खुशियाँ देगा इसे, बहुत प्यार देगा। ठीक है। क्या क्या वाकई आप मासूमा और रोशन की शादी के लिए तैयार हैं? मैंने सोचा तेरी बात ही मान लो, और वैसे भी अंसार ने खुद कहा है कि वो तेरी और रोशन की शादी करवाएगा। क्या मतलब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इसी बात का तो मुझे खौफ है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो मैं भी नहीं जानती कि ऐसा क्यों कहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मेरी बहन की किस्मत इतनी अच्छी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए मास्टर साहब, बैठिए। जी फरमाइए। मास्टर साहब, मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, सीधी बात करूंगा। आज यह है कि मासूमा से शादी के बाद उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं। उसके चेहरे पर, उसकी बातों में इतनी मासूमियत थी कि मैं डर गया। जिस नीयत से उसको ब्याह कर लाया था, वो नीयत पूरी करने की हिम्मत ही नहीं हुई मुझे।
बहुत से दिन उलझता रहा, खुद से लड़ता रहा, सोचता रहा कि क्या करूं, लेकिन कुछ समझ ना आया। फिर रोशन आया मेरे पास। उसने आकर मुझे बताया कि मासूमा मेरे घर में नहीं बल्कि रोशन की जिंदगी में आकर खुश रहेगी। बस इसीलिए मैंने उसको तलाक दे दी। आप यकीन कीजिए कि वो आज भी मासूम है। उसे इद्दत पूरी करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे की मासूमा के साथ शादी की बात मासूमा की वालदा से करें। ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बा जी तू बीच में मत बोल, मुझे बात करने दे। देखिए अंसार साहब, मैं एक इज्जतदार आदमी। बैठिए मास्टर साहब, आप तशरीफ रखिए। आपकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस लड़की को दो बार तलाक हो चुकी हो उसे अपनी बहू बना लूं तो क्या मेरी इज्जत पे हर्फ नहीं आएगा? आपकी इज्जत की तरफ उठने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। अंसार गुल साहब, आप हम पे ये मेहरबानी ना कीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। मास्टर साहब, मैंने मासूमा को आपके बेटे के लिए तलाक दी है क्योंकि वो उससे मोहब्बत का दावा लेकर मेरे पास आया था। वो लड़की एक फरिश्ते की तरह मासूम और पाकीज़ा है और उसकी इज्जत की हिफाजत का जिम्मा मैंने लिया है अपने ऊपर। अब अगर आपके बेटे ने उससे शादी ना की तो जान ले लूंगा मैं उसकी। फैसला अब आपके हाथ में है मास्टर साहब। मैं मासूमा की मां से बात कर चुका हूं, वो इनकार नहीं करेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप रिश्ते की बात लेकर उनके पास जाएंगे। आपकी तशरीफ आमी का शुक्रिया, खुदा हाफिज। इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही शफकत अली के अंसार गुल को हो क्या गया है। मुझे लगता है कि उसे बच्ची समझ के उस पे तरस आ गया उसको। तरस कैसे आ गया, यही तो मैं सोच रहा हूँ। उसकी कमीने के चर्चे शहर शहर। असल बात का पता चलाना होगा, इसलिए उसके घर में झांकना होगा। तुम्हारा मतलब है भाभी जी? जी बिल्कुल, अगर उनसे बात हो सके तो शायद कुछ पता चले। वो तो सीधे वो बातें नहीं करते। फिर भी कोशिश करते। मासूमा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ अपने आप कैसे हो गया। और मुझे ये यकीन नहीं आ रहा हलीमा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है क्या? अल्लाह पे नहीं, उसके बंदों पे भरोसा नहीं है मुझे। तो क्या तुम ये सोच रही हो कि रोशन भी तुम्हें धोखा देगा? शायद बिल्कुल गलत सोच रही हो तुम। तुमने कभी रोशन से सीधे मुंह बात तक नहीं की तो तुम्हें क्या मालूम होगा कि वो तुम्हें कितना चाहता है। मुझे मर्दों से नफरत हो गई है हलीमा। तुम्हें मर्दों से नहीं, बूढ़े मर्दों से नफरत है। हवस के पुजारियों से नफरत है तुम्हें। रोशन ऐसा नहीं है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वो जब भी तुम्हारी बात करता है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार झलक रहा होता है, उसकी आंखें मुस्कुरा रही होती हैं। ये भी तो हो सकता है लीमा कि तुम्हें धोखा हुआ हो, उसकी नजरों में मोहब्बत नहीं
कुछ और हो। अब तुम खामखा बहस कर रही हो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम्हें आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि उसकी आंख और उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। मैं वो बदनसीब हलीमा जो दो बार दुल्हन बनी और दोनों बार दुल्हन नहीं बनी थी। तुम्हारा सौदा किया गया था दोनों बार। लेकिन मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि चाहे हम कितने मजबूर क्यों ना थे, अम्मी जान को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर इस बार तो अम्मी जान खुद तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए तैयार है। मत भूल मासूमा, अगर तुम इंसारगुल की कैद से निकल कर आई हो तो ये सिर्फ रोशन की मोहब्बत की वजह से है। उसी की मोहब्बत की वजह से तुम्हारे दूसरे खरीदार ने तुम्हें छोड़ा है। अब बस मैं और बहस नहीं करना चाहती तुमसे। आपने अगर उस कमजात से शादी की तो सुन लीजिए, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। आप मेरी बेटी का हाथ मांग लिया है, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या होगी। हाँ बहन, मैंने भी पिछली सारी बातें भुलाकर यहाँ आने की जरूरत की है। आप यकीन रखें, मैं मासूमा को अपनी बहू नहीं बेटी बना कर रखूंगा। मेरा शक यकीन में बदल गया शफकत अली, मुझे यकीन हो गया है कि एहसान अली और अंसार गुल आपस में मिले हुए हैं। ATV, सारे रंग हमारे।